देखिए, आज का जो मेक्सिको का रीजन है, उसी रीजन में 1300 से 1500 तक एक सिविलाइजेशन हुई जिसका नाम था एजटेक सिविलाइजेशन। उस सिविलाइजेशन का एक बहुत ही अजीब सा बिलीफ था कि सन जो है ना, वो एनर्जी तभी प्रोड्यूस कर पाएगा जब हम उसको ह्यूमन सेक्रीफाइस या ह्यूमन ब्लड सेक्रीफाइस देंगे। यानी सन के पास सिर्फ एक ही चारा है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, वो है ह्यूमन सेक्रीफाइस। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। सन जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है कुछ रिएक्शंस की वजह से, और उन्हीं रिएक्शंस को आज इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जिसका फिजिक्स का बैकग्राउंड होगा वही इस वीडियो को इजीली समझ पाएगा। इस वीडियो को कोई भी इजीली समझ सकता है क्योंकि मैंने सब कुछ इजी वे में इसमें एक्सप्लेन किया है। अब सन के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं या किसी भी दूसरे स्टार के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं। अब दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, एक न्यूक्लियर फिजन। अब इस फ्यूजन की बात हम दूसरी किसी वीडियो में करेंगे, आज हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, एक ये और एक ये दोनों फ्यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं एक हैवियर न्यूक्लियर देने के लिए, और इसी पूरे प्रोसेस में एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही पूरा प्रोसेस कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है ना, वो प्लाज्मा स्टेट में होती है। अब ये प्लाज्मा स्टेट क्या होता है यार? मैटर की बेसिकली नेचुरली अकरिंग चार स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो पढ़ी है हमने। ये प्लाज्मा कहाँ से आ गया? प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, वो हॉट आयनाइज गैसेज होती है। अब ये इतनी ज़्यादा हॉट होती हैं कि जो गैसेज के एटम्स थे ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। अब एटम्स से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो हमारे पास सिर्फ बचा आयन। अब यही इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर कहलाता है प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, ये इस प्लाज्मा की स्टेट में ही हो पाती है। ठीक है, अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो बेसिकली हमें चाहिए हैं। पहली कंडीशन है टेम्परेचर से रिलेटेड। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए है, वो है 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। हाँ, दूसरी कंडीशन जो है वो डेंसिटी या प्रेशर से रिलेटेड है, कि एक बहुत इंटेंस प्रेशर मुझे चाहिए या बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी चाहिए उन लाइटर न्यूक्लियाई की मुझे। अब ये दोनों ही कंडीशन ना हमारे प्यारे सन के अंदर, हमारे प्यारे सूर्य देव के अंदर भर भर के हैं। हाइयर टेम्परेचर और हाई डेंसिटी, ये दोनों ही कंडीशन हमारे सन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और सन के अंदर बेसिकली होता क्या है, अब सन के अंदर जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं, लाइटर न्यूक्लियाई हैं, वो फ्यूज़ करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हीलियम। जिस पूरे प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोल रहे थे, और इसी प्रोसेस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, बहुत सारी एनर्जी। इसी वजह से सन जो है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है। कि ये एनर्जी प्रोडक्शन जो सन के अंदर हो रहा है, क्या ये हम अर्थ पे कर सकते हैं? क्या फ्यूजन रिएक्शन की हेल्प से हम एनर्जी प्रोडक्शन अर्थ पे कर सकते हैं? क्योंकि अर्थ पे एनर्जी क्राइसिस है ऑब्वियसली। तो इतनी सारी एनर्जी जब मिल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन से, तो क्या हम न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ कर सकते हैं? इसका जवाब देने से पहले मैं वापस से घूम के आता हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन की कंडीशंस पे। अब जो कंडीशंस मैंने दो आपको बताई थी, वो सन से रिलेटेड थी। अब सन के पास इतनी ज़्यादा हाई डेंसिटी है जिसकी वजह से तब जाके उसको 10 मिलियन डिग्रीज का टेम्परेचर लग रहा है। अब वो 10 मिलियन डिग्रीज का टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर किस लिए ज़रूरी होता है? वो ज़रूरी होता है टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन लाइटर न्यूक्लियाई, कि जो लाइटर न्यूक्लियाई जो कंबाइन होना चाह रहे हैं उनके बीच में जो रिपल्शन लग रही है ना, उसको ओवरकम करने के लिए वो हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी चाहिए होती है। अब अर्थ के पास उतनी हाई डेंसिटी नहीं है, यानी हमें अर्थ पे और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो और ज़्यादा टेम्परेचर है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यानी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मुझे अर्थ पे चाहिए होगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए। दूसरी कंडीशन, इंटेंस प्रेशर चाहिए उस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए। अब तीसरी कंडीशन क्या है, एक बहुत बड़ा कन्फाइनमेंट चाहिए है जो कि होल्ड करेगा उस प्लाज्मा को जिसमें फ्यूजन रिएक्शंस हो रही हैं, है ना। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है मैंने एक माचिस जलाई और बंद कर दी, हो गई रिएक्शन। अब ऐसा नहीं है, अब फ्यूजन रिएक्शन को मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है, तो उसके लिए भी डिफरेंट कंडीशंस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी मुझे एक अच्छी खासी बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस चाहिए इस न्यूक्लियर फ्यूजन को कैरी आउट करने के लिए। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में जो फ्यूल्स यूज़ करेंगे ना, वो इजीली एक्सेसिबल है, जिसमें हम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का यूज़ करेंगे। ड्यूटेरियम जो है वो सी वाटर से इजीली निकाला जा सकता है, और ट्रिटियम जो है वो लिथियम की हेल्प से इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो फ्यूजन के फ्यूल्स की कोई दिक्कत नहीं है, जो फ्यूजन कराने के लिए कंडीशंस है ना, उसकी सारी की सारी दिक्कत है। अब ये फ्यूजन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, फ्यूजन रिएक्शन जिसका हम यूज़ कर रहे हैं अभी, या फिर कोल का यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस का यूज़ कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, तो उन सब में एक प्रॉब्लम है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इतनी सारी चीज़ें निकल रही हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है उसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं है, बहुत ही क्लीनर और सेफर है एनवायरनमेंट के लिए। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कुछ ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम अगर हमारे पास है, तो उससे हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि एक पर्सन लगभग 50 से 60 साल अपना कंप्लीट एनर्जी कंजम्पशन पूरा कर सकता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन यूजिंग फ्यूजन रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है एनर्जी को लेकर।